इस बार जो भी स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, और जो स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, पिछले वर्ष जो है 4 वर्षीय बीएड कोर्स से छूट चुके थे, और इस बार जो भी छात्र ग्रेजुएट हैं वो 2 वर्षीय बीएड में आवेदन करने से चूक गए हैं, तो उनके लिए काफ़ी खुशखबरी वाला न्यूज है। अब देखिए, सभी छात्र ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, वे सोच रहे हैं कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स का जो है आवेदन कब से लिया जाएगा, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर आप जानेंगे उसके एग्ज़ाम पैटर्न को कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं। 120 मार्कों की एग्ज़ाम आयोजित होती है और क्वेश्चन भी आपको 120 रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन पर एक मार्क मिलते हैं। उसके बाद टाइम इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे। अब चलिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 25 मार्क के होते हैं। जनरल नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40 मार्क के होते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल हिंदी और इंग्लिश से इन सभी को मिलाकर के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं जो 120 मार्क के होते हैं। अब देखिए, 4 वर्षीय बीएड कोर्स करने का फ़ायदा क्या है, तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय बीएड करते हैं तो 3 वर्ष ग्रेजुएशन का हो गया और 2 वर्ष आपको बीएड का हो गया, तो 5 वर्ष लग जाते हैं। और बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बीए बीएड या बीएससी बीएड करते हैं तो आपको 4 वर्ष में ही ग्रेजुएशन का भी डिग्री है प्लस बीएड का भी डिग्री मिल जाता है। तो यह इससे आपको जो है कि 1 साल की बचत होती है। तो काफ़ी ये कोर्स जो है ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले या ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम बता देते हैं कि पिछले वर्ष जो है कि कब यह फॉर्म आया था, तो चलिए उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वर्ष जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके लिए, वो आपको अगस्त में जारी किया गया था, 24 अगस्त को, और 26 अगस्त से इसके लिए आवेदन लिया गया और फॉर्म का जो ऑनलाइन करने का लास्ट डेट था वो आपको 1 सितंबर तक था। उसके बाद जो है कि इसके लिए एग्ज़ाम आयोजित 15 सितंबर को हुई थी और रिजल्ट 20 सितंबर को जारी किया गया था। काउंसलिंग आपको 23 सितंबर को हुआ था और सीट का जो है अलॉटमेंट आपको 27 सितंबर को हुआ। उसके बाद वर्क का जो आरंभ है वो आपको 30 सितंबर से शुरू किया गया था। तो देखिए, इस बार भी 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए आवेदन लिया जाएगा जब इंटर का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही, और इसके लिए एग्ज़ाम जो आयोजित करेगी इस बार वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करेगा। पिछले बार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी किया था और इस बार जो है कि नोडल यूनिवर्सिटी LNMU को बनाया गया है, तो यही आयोजित करेंगे। तो इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों में ज़रूर फैलाइए ताकि वे जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वे भी इस कोर्स में दाखिला ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।